सो मेरे भाई, अगर आप जियो की प्रीपेड या पोस्टपेड सिम यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि मेरे भाई जियो ने अपने प्लान हाई कर दिए हैं, प्राइस बढ़ा दिए हैं लगभग 25%, और कई कई प्लानों में इन्होंने 40 रुपए, कई कई प्लानों में 50 रुपए, कई कई प्लानों में इन्होंने 100 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको बोल रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है, प्लान के प्राइस बढ़ने वाले हैं। सो बहुत ही ज्यादा डिटेल में जियो ने हमको बता दिया, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। सो पहले न्यूज निकल के आई थी, मैंने आपको पहले, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई पंजाब में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस महंगे हो गए। सो मेरे भाई, अब बारी आ गई है टेलीकॉम कंपनियों की, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों में सबसे पहला कदम जियो ने उठा लिया है। सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। सो हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टैक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाई, जियो ने ऑफिशियली ही बता दिया है कि हम अपने प्राइस हाई करने वाले हैं। सो अभी जो प्लान आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्लान बाद में वैसे दिखाई नहीं देंगे जैसे अब दिखाई दे रहे हैं। सो जो भी आपको रिचार्ज करना है अभी कर लो, क्योंकि मेरे भाई 3 जुलाई के बाद सारे प्लान के प्राइस महंगे होने वाले हैं। और ये भी बता देना चाहता हूं, जो हमारे फेवरेट वैल्यू प्लान आते थे, जो कि 1559 रुपए वाला रिचार्ज था, जिसमें हमें अनलिमिटेड 5G भी देखने को मिलता था, 336 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलती थी। सो मेरे भाई, उस प्लान को जियो ने अपनी माई जियो एप्लीकेशन से रिमूव कर दिया है, जो हमें वैल्यू सेक्शन में देखने को मिलता था ये वाला प्लान। और एक फेवरेट हमारा प्लान था जो था 395 का, वो भी कंपनी ने रिमूव कर दिया अपने माई जियो एप्लीकेशन से, सिर्फ और सिर्फ 155 वाला प्लान ही हमें वहां पे अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये प्लान जो आपको मैं बता रहा हूं, 1500 जो 395 रुपए है या फिर 155 रुपए है, ये सारे प्लानों के प्राइस हाइक करने वाले हैं। सो कितने तक हाइक होंगे सारा कुछ बताऊंगा। सो सबसे पहले मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रॉपर इसकी लिस्ट हमें मिल चुकी है। सो मैं आपको बता रहा था ना कि 155 रुपए वाला रिचार्ज है जो अभी दिखाई दे रहा है, अगर रिचार्ज करना है तो अभी कर लो, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें 2GB इंटरनेट मिलता था, 28 दिनों की वैलिडिटी थी, और 3 जुलाई को भाई इसका प्राइस हाइक हो जाएगा, 189 रुपए आपको फिर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो 209 रुपए में 1GB, और फिर मतलब 3 जुलाई को 249 रुपए का ये हो जाएगा, ठीक है। जो 239 रुपए का रिचार्ज था जिसमें हमें अनलिमिटेड 5G देखने को मिलता था, उस प्लान की प्राइस फिर 299 रुपए हो जाएगी, और जो पहले 299 रुपए का हुआ करता था जिसमें 2GB मिलता था, वो 349 का हो जाएगा, और जो 349 का था वो 399 का हो जाएगा, और जो 399 का था वो 449 का हो जाएगा, और जो 479 का था वो 579 का हो जाएगा, और जो 533 का था वो 629 रुपए का हो जाएगा, जो 395 रुपए का था जिसमें 6GB डेटा मिलता था, ठीक है, 84 दिनों की वैलिडिटी थी, वो 479 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कितना बड़ा उछाल किया है। जो 666 का था वो 799 का हो जाएगा, और जो 719 का था वो 859 का हो जाएगा, जो 999 का था वो 1199 का हो जाएगा, जो 1559 रुपए वाला था 336 दिनों वाला वो 1899 रुपए का हो जाएगा, जो 2999 रुपए का प्लान था वो 3599 का हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो डेटा बूस्टर प्लान थे इनके, एड ऑन जिसे बोलते हैं, वो पहले 15 का था जिसमें 1GB मिलता था, वो 19 रुपए का हो जाएगा, जो 25 रुपए का था अब वो 29 रुपए का हो जाएगा, जो 61 रुपए का था वो 69 का हो जाएगा। सो जो नए प्लान, मतलब कि आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो 3 जुलाई को देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये भी बड़ी बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे नोट पे कुछ चीज हमें बताई है, इन्होंने बताया है कि जो अनलिमिटेड 5G है
वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 GB डे वाले प्लान में ही देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको वो प्लान लेना पड़ेगा अब जिसमें आपको डेली की 2 GB मिलती है, फिर ही आप अनलिमिटेड 5G हमारा यूज कर पाओगे। जैसे कि पहले 239 रुपए का रिचार्ज था, ठीक है, उसमें अनलिमिटेड 5G जियो हमें देता था, बट अब कंपनी बोल रही है कि आपको डेली 2 GB वाला प्लान लेना पड़ेगा, फिर ही आप हमारा अनलिमिटेड 5G यूज कर पाओगे। सो अब क्या है, 1559 रुपए वाला रिचार्ज था जो अब 1899 रुपए का हो चुका है। अगर आप मतलब के बाद में जब 1899 का आप लेने जाओगे, क्योंकि अब तो वो अवेलेबल नहीं है, फिर आपको अनलिमिटेड 5G उसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो डेली 2 GB वाला नहीं है। और जो 395 रुपए वाला प्लान था उसमें भी आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा, 155 रुपए वाले में तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था, ठीक है। सो अब क्या सिचुएशन है, अगर आपने अनलिमिटेड 5G जियो का यूज करना है तो आपको 299 रुपए का रिचार्ज करवाना ही करवाना पड़ेगा। सो 299 अब की प्राइस है, इसमें 2 GB मिलता है, ये कंपलसरी है अगर अनलिमिटेड यूज करना है, ठीक है। सो 3 जुलाई को इसका प्लान 349 हो जाएगा, आपको 349 वाला रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 GB डे वाला, फिर ही अनलिमिटेड 5G यूज कर पाओगे, ठीक है जी। जो मैं आपको प्लान बता के हटा हूं ये सारे प्रीपेड प्लान है, यही नहीं इन्होंने पोस्टपेड प्लान के प्राइस भी हाई किए हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूं, एक 299 रुपए का इनका प्लान आता था पोस्टपेड वाला, जिसमें 30 GB डेटा देते थे, और 3 जुलाई को ये 349 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। एक 399 रुपए वाला पोस्टपेड वाला प्लान आता था जिसमें 75 GB देते थे, वो प्लान 449 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। सो भाई बहुत पहले बोल रहे थे कि भाई अनलिमिटेड 5G हम यूज कर रहे हैं, हमें एयर फाइबर की जरूरत नहीं है। सो अब मैं देखता हूं कि एयर फाइबर की आपको जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप कोई लोकल फाइबर ही लगवाएं, क्योंकि एयर फाइबर भी कुछ खास मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आप एयर फाइबर ले सकते हो, क्योंकि कई एरियो में मतलब इंटरनेट है ही नहीं है, तो मजबूरन आपको इंटरनेट मतलब लगवाने के लिए आपके घर को इंटरनेट चाहिए, तो आपको एयर फाइबर लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है जी। सो मेरा भाई ये बता देना चाहता हूँ कि एयर फाइबर के या फिर फाइबर के प्लान हाइक नहीं हुए हैं, जो मैं आपको बता के हटा हूं इसके प्लान ही 3 जुलाई को हाइक होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है जी। सो मेरे भाई आपको ये प्लान जान के कैसा लगा, जो भी लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज की स्माइलिंग, जय हिंद।